हेलो। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोपहरी। हाँ, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, है ना? तो आप लोग कैसे हैं बतलाइएगा जरूर, और हमारे चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हाँ। और आज जो मैं दिखलाऊंगी वो अभी मैंने कुछ नहीं शूट किया है, कल शाम में मैंने उसे शूट किया है। और मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि हर घर में बच्चों के नखरे हजार हैं। तो मेरा बच्चा कल किस तरीके से दिन भर खाना नहीं खाया था, आलू चोखा और चेच चटनी सुन के। तो मैंने उसे एक नया रूप किस तरीके से दिया और उसे खाना खिलाया खिलाया। तो वही उसी चीज, को। हाँ, उसी चीज को मैंने दिखलाने की कोशिश की है। तो चलिए फिर हम उसे नहीं, आप उसे देखिए, देखिए और बतलाइए कि कैसा बना है। आप भी बनाइए, ठीक है ना? और कमेंट जरूर जरूर करिएगा। जरूर से कीजिएगा। देखिए गैस, माँ तो माँ होती है। आज दिन भर से मेरा बेटा नहीं खाया है। ये देखिए, आलू का चोखा, जैसे उसने सुना आलू का चोखा है। और ये झारखंडी और कैनो, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र से जो भी हैं उनको पता है इसको चेस सुट्टी कहा जाता है। और इसमें मैंने मिलाया है किसान का फ्रेश टोमेटो केचप चिंग्स चटनी। चलिए फिर बनाते हैं ये क्या बनता है। वीडियो कट गया था तो इसलिए शुरू का आया नहीं, है ना? तो इस तरीके से मैंने इसे उलट पुलट के थोड़ा तेल दे के सेक लिया ताकि ये खाने में क्रिस्पी लगे। सॉरी गाइस, इसको सेकना एक ही तरफ से था लेकिन बात करते करते मैं भूल गई। और दोनों तरफ से सेक दे इस तरीके से। इसे वो जो ऑर्गेनो है इसे इसी में मिला दिया, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह से टोमेटो केचप, ऑरेगानो और चिंग्स चटनी सबको हमने मिला दिया। और ये आलू का चोखा, कहना चाहेंगे आपके बच्चे भी नखरेबाज हैं या कुछ समझदार भी है। जो समझदार बच्चे हैं वे खुद बनाएं, खाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। और जो बच्चे थोड़े नखरेबाज हैं उनकी मम्मी से मैं कहूंगी कि वे थोड़ा बनाएं और अपने बच्चे को खिलाएं। मैं कभी वीडियो में फिर से, एक तो पहली वीडियो में मैंने बतलाया है चेस सुट्टी के बारे, है ना? सुट्टी सुट्टी का मतलब होता है किसी भी साग का सूखा हुआ जो ऑर्गेनो कहलाता है आज के समय में। और उस समय ये ऑर्गेनो वगैरह कुछ नहीं होता था, सुट्टी होता था। कभी मैं गांव जाऊंगी तो यदि मुझे दिखलाने का मौका मिला तो मैं दिखलाने की कोशिश करूंगी। कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से
साल में हर जगह आप हर जगह देखिए सब्जी की कमी हो जाती है, तो उन सब्जियों की पूर्ति करने जब बारिश का मौसम होता है और सब्जी नहीं हो मिलते हैं तो उस समय ये सूखी हुई सब्जियां जो है वो बहुत काम आता है। उसी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर सब्जी कहने का मतलब है जो साग वगैरह हुआ उसको वे लोग सुखा करके स्टोर करके रख लेते हैं। और वे लोग कैसे स्टोर करते हैं, उस जमाने में कोई प्लास्टिक नहीं होता था तो वे लोग ये जो होता है पत्ता, साल का पत्ता, सुखुआ का पत्ता, उसका बहुत अच्छा ये बनता है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसको सोडा बोलते हैं, सोडा है ना, तो उसमें वे लोग क्या करते थे स्टोर करके रखते थे। और अभी हम इस तरह के गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग गैस तो पहुंच गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग कोयले चूल्हे का उपयोग करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग क्या बोला मैंने कोयले नहीं लकड़ी चूल्हे का ये किया जाता है, उपयोग किया जाता है और उसके बहुत फायदे हैं। अगर ठंडे के दिन हैं तो पूरे परिवार अगल बगल बैठ के उसका ये लेते हैं, ठंडा में सारे लोग बैठ करके चूल्हे की गर्मी लेते हैं, आग सेकते हैं, चूल्हे की गर्मी में आग सेकते हैं, है ना। और वो जो चूल्हा होता है लकड़ी का, वहां पर कुछ जगह बना हुआ रहता है और दीवारों में उसे रखा जाता है, क्योंकि आप खुद भी देखेंगे किसी भी चीज को जब हम रखते हैं तो क्या होता है कि उसमें कीड़ा पड़ जाता है, कीड़ा जिसको कि कीड़ी भी बोलते हैं लोग, है ना। तो उस तरह चूल्हा का जो लकड़ी चूल्हा की जो गर्मी, उसका जो धुआं उसमें पड़ते रहता था तो सालों भर सारा सामान, है ना, जो सामान होता था वो बिल्कुल फ्रेश हुआ करता था और जिसको जब जैसा जरूरत हुआ वहां से निकाला और उसको गांव घर में ये सुट्टी बोलते हैं, मतलब सुट्टी मीन्स की सूखा हुआ उसका चटनी, जैसा चाह वैसा बना के खाए, चटनी या फिर माड़ झोर, जिस माड़ को हम फेंक देते हैं, है ना, उसका वे लोग बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। चलिए फिर जिस तरीके से मैंने कहा, अगर आपके पास ऑर्गेनो नहीं है तो मार्केट में ऑर्गेनो मिलता है, मेरे पास अपने ग्रामीण क्षेत्र का ऑर्गेनो था तो मैंने उसे उपयोग में लाया है। अब आपके पास नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है और उसको ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि ये झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। ऑर्गेनो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आज के समय में लोग इसे ऑर्गेनो कह करके ही ये करते हैं, बोलते हैं, लेकिन पहले ऐसे कोई ऑर्गेनो नहीं होता था और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसे सुक्टी क्या कहा जाता है, सुक्टी, सुक्टी का मतलब ही है सूखा, सूखा
हुआ है ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसा लग रहा है, बना है ना। ये देखिए अब आप भी बनाएं, आप भी बनाएं, खुद खाएं, परिवार वालों को खिलाएं और कमेंट करें। ऐसा कुछ बनाना तो था नहीं, लेकिन मेरा बेटा खाया नहीं था तो हम सोचे बनाते हैं, और जब बना ही रहे हैं तो मुझे लगा कि शायद इसको थोड़ा सूट हमें कर लेना चाहिए। और अब हम अपना बेटा से इसका रिव्यू पूछते हैं, उसे कैसा लगा है ना, क्योंकि खाने वाला ही बतलाएगा कि उसे कैसा लगा। छोटू छोटू लो छोटू, अरे जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, कितना देर मेरे मित्रगण रुके रहेंगे तुम्हारे लिए। आके तुरंत से तुम बोल करके चले जाओ ना बेटा, जल्दी आओ। ये तुम्हारे लिए, और उधर से ही थोड़ा टेस्ट करो और तुरंत अभी वीडियो चल रहा है मेरा, टेस्ट करके उसका ये बतला दो हमारे मेरे मित्रों को, मेरे साथियों को कि कैसा लगा। अच्छा अच्छा है, अच्छा है? कटोरी क्या करेगा, उसमें सारा चीज दिया हुआ है, टोमेटो सॉस और चिंग्स सब कुछ है बेटा, ठीक है। ठीक और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो का अंत करती हूँ है ना। और मुझको लगता है दो तीन दिन से मैं अपना फुल वारी नहीं दिखला पाई हूँ, तो इस तरीके से मेरा ये फुटबॉल लिली का जीवन यात्रा आज संपूर्ण हो गया है। मैं उसी को दिखला रही हूँ और उस ये गमले, गमला तो नहीं है प्लास्टिक में, जो दिख रहा है वो बेंग साग है, रामदेव बाबा, बार बार मैं बतला रही हूँ, रामदेव बाबा का ब्राह्मी है ना। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। किसी भी तरीके से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप सबको मैं तहे दिल से देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स 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 कहती हूँ। बाय बाय।